त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब एक छात्र घर को छोड़ के सांसारिक शिक्षा के लिए बाहर जाता है तो महर्षि श्री उसे क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो सांसारिक शिक्षा में तो आगे बढ़े ही बढ़े लेकिन साथ को मद्देनजर रखते हुए धर्म के मार्ग पर भी वो आगे बढ़ सके। नमोस्तु गुरुदेव। अवश्य, जब भी अपने घर से आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाओ तो उस क्लास से संबंधित आप अपने साथ जो भी अपनी पुस्तक कॉपी गाइड जो भी लेकर के जाते हो वो तो साथ लेकर के जाओ, लेकिन अपने साथ में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को भी साथ लेकर के जाओ। किसी न किसी गुरुजनों से अपना संपर्क अवश्य रखो। आप कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो लेकिन किन्हीं न किन्हीं गुरु से अपना संपर्क रखो, समय समय पर अपनी बात उन्हें शेयर करते रहो, उनको बताते रहो, उनसे मार्गदर्शन लेते रहो और उनके द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिया जाए उसका पालन करो। आप वहां रह करके सुबह उठो, अपना डमोकार मंत्र पढ़ो, तीन कम नौ कोटि मुनराजों को नमोस्तु निवेदित करो और इसके बाद ही फिर अपने अन्य कार्य करो। हो सके तो कोई एक स्तोत्र आदि आप अवश्य पढ़ो। अगर पास में मंदिर है तो जिन मंदिर दर्शन करने अवश्य जाओ। एक शास्त्र गुरुजनों से मंगलाचरण करवा करके अपने पास में अवश्य रखो और ये याद रखो कि भले ही हमारे यहाँ पर माता पिता नहीं है, हम यहाँ अकेले हैं, पर हमारे साथ में गुरुजी हैं, वो हमारे पिता हैं और ये जिनवाणी है ये हमारी माता है। नमस्ते गुरुदेव। अगर ये स्मरण में रखोगे तो आप कभी अकेले नहीं होगे, माता पिता के साथ होगे, आपका जीवन अच्छा होगा और आप निश्चित ही सफल होंगे और सुयोग्य बनेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। हाँ बेटा। बोले आचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महाराज की जय।